आज हम जानेंगे कि यौम दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है और इसे क्यों मनाते हैं। दस्तूर को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में संविधान कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे दस्तूर का तारुफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दस्तूर की अहमियत और फायदे क्या क्या है। दस्तूर की वजह से जमहूरियत मुस्तहकम हो जाती है। इसी तरह दस्तूर की पेशकरदा सियासी मिसालों की वजह से आलमी अमन व तहफ्फुज और इंसानी हुकूक की हिफाजत का माहौल तैयार होता है। दस्तूर की वजह से शहरियों की आजादी और उनके हुकूक महफूज रहते हैं। क्या आपको पता है दस्तूर क्या है? What is constitution? मुल्क के नज्म व नुस्क, इंतजाम व बंदोबस्त के लिए बनाए गए बुनियादी हुकूक के कवानीन जिस किताब में यकजा इकट्ठा हो उसे भारत का दस्तूर कहते हैं। दस्तूर बनाने के लिए दस्तूर साज मजलिस का कयाम अमल में आया था। तहरीक आजादी के रहनुमाओं का मानना था कि आजाद भारत का हुकूमती कामकाज अंग्रेजों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक नहीं बल्कि भारतीयों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए। भारत की दस्तूर साजी का काम सन 1946 में ही शुरू हो चुका था। दस्तूर साज असेंबली की पहली नशिस्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दस्तूर साज मजलिस की पहली नशिस्त 9 दिसंबर सन 1946 को मुनक़िद हुई थी। आइए हम देखते हैं कि दस्तूर साज मजलिस के मेंबरान कौन थे। आजाद भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आजाद भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू, दस्तूर के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजाद भारत के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद, बुलबुले हिंद सरोजनी नायडू, हंसा बेन मेहता और राजकुमारी अमृत कौर। भारत का दस्तूर बनाने के अमल में नुमाया रोल अदा करने की वजह से बाबा साहब अंबेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। 26 नवंबर सन 1949 के दिन दस्तूर नाफिज हुआ था, इसीलिए इस दिन यौम दस्तूर मनाते हैं। 26 जनवरी सन 1950 से दस्तूर के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने का आगाज हुआ था। भारत के बुनियादी दस्तूर में कुल 22 आर्टिकल्स हैं, 395 दफात और 8 शेड्यूल हैं। शुक्रिया। थैंक यू।